नेदरलैंड की पर्ची ने डुबा के रख दिया साउथ अफ्रीका को। टेम्बा बबुमा ने डायरेक्ट कह दिया कि ये जो है चीज है ये हमें दुख नहीं पहुंचाती, बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती है। और बहुत ज्यादा दुख इसलिए पहुंचाती है क्योंकि हम लोग जो टूर्नामेंट है उसमें बड़ी बड़ी टीमों को हरा देते हैं, लेकिन भाई जो छोटी टीम है वो हमें मार के क्यों चली जाती है। अब देखो नेदरलैंड को मैं छोटी टीम नहीं कह रहा, लेकिन नेदरलैंड ने जिस हिसाब से पिछले दो मैचेस खेले पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें भाई मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका। बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो मतलब ठीक ठाक था, लेकिन बैटिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन कल जिस तरह से नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नेदरलैंड की टीम है। और टेम्बा बबुमा जो है वो यही कह रहे थे कि भाई एक होगा टेम्बा बबुमा भाई साउथ अफ्रीका का लेजेंड, लेकिन वो नेदरलैंड के खिलाड़ी है और नेदरलैंड के खिलाड़ियों ने पिछले साल भी साउथ अफ्रीका को हराया था और T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर कर दिया था। तो आप तो कह ही सकते हो ना कि ये जो नेदरलैंड वाले वो साउथ अफ्रीका के लिए एक डर का काम करते हैं। मतलब अगर दुनिया में साउथ अफ्रीका को कोई नहीं हरा सकता तो एक सिर्फ नेदरलैंड ही है जो हरा सकती है। और देखिए साउथ अफ्रीका ने जिस तरह श्रीलंका के अगेंस्ट 450 रन की पारी खेल दी थी ना, उससे सबको यही लग रहा था, फिर याद में ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, तो सबको यही लग रहा था कि इस साल की वर्ल्ड कप की फेवरेट जो है वो साउथ अफ्रीका है। लेकिन नेदरलैंड ने कल हरा के ये जो चीजें है, ये जो मिथ आप कह सकते हो, जो चीजें हवा बन गया था उसको हटा दिया। और नेदरलैंड ही क्यों, साथ में एक टीम और जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भी ये जो हवा बना के रखा था बड़ी टीमों को कि बड़ी टीम को कोई नहीं हरा सकता, हरा दी भाई। मतलब ये वर्ल्ड कप में आप नहीं कह सकते हो कि कौन सी टीम जो है कब क्या पासा मारेगी, किसी को समझ नहीं आता कौन से प्लेयर कब पासा मारेंगे, किसी को समझ नहीं आता है कि नहीं। तो यही किया गया इस साल वर्ल्ड कप में। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा हुआ साउथ अफ्रीका हारी, इससे जो छोटी टीम है बाकी छोटी टीमों को भी बूस्टअप मिलेगा। अफगानिस्तान का नेक्स्ट मैच देखिए आज न्यूजीलैंड के साथ में है, और अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को भी हरा देती है तो अफगानिस्तान पूरी फेवरेट बन जाएगी वर्ल्ड कप की। और टेम्बा बबुमा ने कल यही कहा था कि छोटी टीम जो है वो उन टीमों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनके प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया। और साउथ अफ्रीका के तीन जो प्लेयर थे पुराने, वो तीनों प्लेयर ने आके नेदरलैंड घुस के नेदरलैंड को सपोर्ट किया और भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया। मतलब भाई क्या गजब के खेले, कह सकते हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे साउथ अफ्रीका को दी गई है नेदरलैंड की तरफ से। सबको लग रहा था कि डेविड मिलर बचा होगा, लेकिन डेविड मिलर का जो विकेट उखाड़ा है ना वहाँ पे, वो गजब का विकेट उखड़ा था। और बाद में यहाँ पे जो टेम्बा बबुमा है, देखिए वो दुखी तो थे, पिछले साल वर्ल्ड कप में बाहर हो गई थी टीम, इस साल अभी बाहर हो गई है टीम। तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो छोटी टीमों का जो वर्चस्व है टूर्नामेंट में वो काफी ज्यादा बढ़ता है। नेदरलैंड ने बहुत अच्छा कर परफॉर्मेंस किया, आप यहाँ पे कह सकते हो नेदरलैंड के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस कल नेदरलैंड की तरफ से आई, और साउथ अफ्रीका को कहीं का नहीं छोड़ा। बैटिंग में भी जब उनके 5 विकेट गिर गए थे तो फिर यहाँ पे लेके 245 का स्कोर कर दिया, और बॉलिंग में भी गजब की बॉलिंग थी नेदरलैंड ने, गजब की बॉलिंग।